हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं थोड़ी देर लेट गई थी, अभी उठी हूँ और अभी चलते हैं किचन में। तो अभी थोड़ी देर आलस आ गया, थोड़ी देर सोई थी, थोड़ी देर फोन देखा था और अभी उठी है। तो अभी चलते हैं किचन में। संजीव कर रहा था यहीं पे पढ़ाई और मैं अपना चादर लेके लेटी हुई थी और बाहर सारी लाइटें बंद है तो अभी ऑन करते हैं। अंधेरा हो रखा है। अभी चाय बनाएंगे, शेक बनाएंगे और शाम के मैं दिन के बर्तन साफ करके गई थी, लेट गई थी किचन साफ करके, पूरा शाम की तैयारी करी थी तो उबाल के रख गई थी। और अभी आपको दिखाऊंगी क्या बना रही हूँ। तो तैयारी कर दी थी सारी देखो करके और फिर जाके लेट गई थी थोड़ी देर। और अभी उठे हैं तो अभी आ गए हैं उठते ही फिर से किचन में। और सबसे पहले तो बर्तन हटाती हूँ यहाँ से सूखे सूखे। अंधेरा आ रहा है, 1 मिनट लाइट चा। तो सबसे पहले ये बर्तन हटाते हैं फिर चाय चढ़ाऊंगी और बेटे के लिए शेक बनाएंगे, वो चाय नहीं पीता है गर्मी गर्मी। चाय दूध जैसे सर्दी में चाय दूध पीता है गर्मी गर्मी, अब सेक पिएगा जब केला सही रहती है गर्मी में सेक पीता है। तो मम्मी के और अपने लिए चाय बनाऊंगी। मम्मी बाहर बैठी है, मम्मी दिन में थोड़ी देर बाहर चली जाती हैं क्योंकि तो मम्मी का पूरे दिन लेटे लेटे टाइम पास नहीं होता तो थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हैं। तो चलो इधर रख देते हैं। हालस नहीं खुला है, बस जस्ट उठी हूँ अभी तो बासी आई जा रही है बार बार आई जा रही है, आई जा रही है जैसे कि बहुत तेज से नींद आ रही है। ओ डब्बे में हो गई है चीनी खत्म, चीनी भी निकालनी पड़ेगी बड़े डब्बे से। तो तब तक डालते हैं चाय पत्ती। और आज बनेगी पाव भाजी, तो पाव भाजी की सब्जी वब्जी सब मैंने काट के और रख दी थी। नींद आ रही भाई, वीडियो भी नहीं बन पा रहा। सब्जी उबाल दी थी, अब ये मैश करूंगी। मटर अलग से उबाली थी अलग कुकर में और ये अलग उबाली थी क्योंकि मटर को फिर मैश करो तो अच्छी नहीं लगती है तो इसलिए मटर अलग उबाली थी। और मटर अभी टाइट भी आ रहे हैं ना तो सिट्टी लगवानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज हो गई है तैयार, तो हैं सबसे पहले चीनी डाल के लाते हैं, दूध लेके आते हैं फिर मिलते हैं आपसे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा स्टार्ट रखूंगी तो। यहाँ पे चाय उबल रही है, चाय को मैंने कम कर दिया है, उबाल आ गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेक, तो चीनी भी डाल ली है मैंने नीचे थोड़ी सी जार में। थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं और बाद में मिलाएंगे केला पीसने के बाद। और अभी दिखाती हूँ पीस के लेके आती हूँ, पहले मैं मिक्सी पे लगा के फिर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे चाय भी बन गई है मैंने छान ली, तो मैं बेटे को बोल रही हूँ मम्मी को दया नीचे। और ये बेटे का बन गया है सेक, तो मुझे तो देख के ही अच्छा नहीं लगता, इसका कलर ऐसा रहता है। और मैं मम्मी की चाय दे देती हूँ नीचे। ले जाओ बेटा ले, कुर्सी की आवाज़ आ रही थी, माँ कहीं गई तो नहीं, कुर्सी सरक रही थी मम्मी की, कहीं चाची के यहाँ तो नहीं गई। चाय पी लो मम्मी। मम्मी तो वहां पहुंच गई हमारी, हो गई अंदर। और अभी मेरे को यहाँ बाहर बैठे हुए थे, अभी कुर्सी हिलने की आवाज आई, इतने में संजीव को बोलने गई, जाली माँ तो गई, मैं लेके भी आई, इतने मुझे कुर्सी की आवाज आई थी इसीलिए मैं कह ही रही थी। ले ले अपना सेक ले ले, अब ये चाय ठंडी होएगी, रखी बेकार जाएगी, मैंने बना ली। कई बार ऐसा ही होता है कि मैं बनाती हूँ तो मम्मी बाहर रहती हैं और जैसे छानती इतना मम्मी चली जाती हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि मैं बनाऊं जब मम्मी नहीं रहती है, और फिर मैं छानूंगी, इतने आ जाएंगे, फिर बोलेंगी कि मेरी नहीं बनाई थी तूने चाय, तो आज फिर ऐसा ही हुआ। और शाम को झाड़ू की तो मेरे घर में ज़रूरत नहीं रहती, जैसा मैं दिन में करके सोती हूँ ना, खाना पीना खा के सारा काम निपटा के, देखो बिल्कुल जू का तू पड़ा रहता है, कुछ भी काम नहीं फैलता। ये आटा पीस के आया था तो ये रखा हुआ है, क्योंकि उसमें टंकी में पहले का थोड़ा सा बचा, मैंने कहा वो ख़त्म हो जाएगा फिर साफ करके, और फिर ये वाला भर दूंगी, और कुछ भी नहीं फैलता है, बेड भी जू का तू रहता है। मैं बेटा एक तरफ बैठ के पढ़ाई करता रहता है और कुछ भी नहीं फैलता है। तो शाम की झाड़ू तो मेरे घर में जब होती है, मेरी ननद रहती हैं और सारे हम इकट्ठे रहते हैं, तो पूरा ऐसा गंदा हो जाता है, फिर शाम की झाड़ू भी हो जाती है और पोचा भी हो जाता है। और अभी तो जू का तू साफ है, तो मेरी चाय अभी गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी जब पियेंगे, तब तक मैं इस सब्जी को मैश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे करते हैं सब्जी को मैश। इसमें है आलू, गाजर और थोड़ी सी फूल वाली गोभी भी डाली हुई है, दिख नहीं रही, तो चलो अभी ये थोड़ी गर्म है, मैश कर लेते हैं। मैं जब लेटी तब उबाल के लेटी थी, और अभी इसे मैश कर देते हैं, फिर चाय पी के फिर छौंक लगा देंगे। यहाँ पे मैंने आलू गाजर को अच्छे से मैश कर दिया है, और मटर को भी इसी में डाल दिया है। अभी पी लेते हैं चाय, फिर उसके बाद देखेंगे फिर बनाएंगे। तो चाय को लेके चलते हैं अंदर और पी लेते हैं हम बैठ के अपनी चाय। पे चाय वाय पी ली थी, फिर उसके बाद आ गई थी मैं पाव भाजी की सब्जी छौंकने के लिए। तो यहाँ पे मैं भून रही थी प्याज, और अभी प्याज काट रही थी तो मेरा अंगूठा कट गया, देखो दिखाती हूँ, दिख नहीं रहा, अभी मेरा अंगूठा कट गया, चक्कू लग गया एकदम से, प्याज काट रही थी, और अभी इसमें बहुत दर्द हो रहा है। और अभी मैं बर्तन धोऊंगी ना, तो इसमें साबुन जाएगा और चिरमिरी हट होएगा, एकदम से चाकू लग गया था प्याज कट कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्याज भुननी स्टार्ट हो गई हैं, बस अब इसमें टमाटर डाल देंगे, थोड़ी सी और भुन जाए। और अभी मेरे को बर्तन धोने हैं, बर्तन धोंगी तो इसके अंदर भी लगेगा साबुन, ब्लर ब्लर दिख रहा है। यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है, और कोई मसाला तो जाएगा नहीं, पाव भाजी वाला ही मसाला डालूंगी, हल्दी मिर्ची तो डलेगा नहीं, क्योंकि पाव भाजी के मसाले में इतनी मिर्ची रहती है कि सब्जी हो जाती है थोड़ी सी तीखी, और फिर बहुत तीखा खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे थोड़ा टमाटर को पकने देते हैं, जल्दी पक जाएगा, नमक डाल दिया है मैंने, और मसाला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से पक रहा है, थोड़ा सा और मैश हो जाने देते हैं टमाटर को, उसके बाद फिर डाल देंगे ये सब्जी। और मसाला है MDH वाला, कभी कभी एवरेस्ट वाला आ जाता है, तो आज लेके आई मम्मी तो MDH वाला था, इसकी ज़्यादा टेस्टी बनती है एवरेस्ट वाले से। और यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर पक जाने देते हैं, और पाव भी मंगवा लिए थे, दिखाती हूँ मैं, और रोटी नहीं बनाएंगे, बस पाव भाजी ही खाएंगे। तो पाव के पैकेट मंगवा लिए थे दिन में ही, हमारी गली में बेकरी है, वहाँ ताजी बनते हैं, तो वहीं से ले आए थे। और अभी सब्जी बना देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद करूँगी बर्तन साफ। तो चलो अभी इसमें सब्जी डाल देते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे मैंने पलट दिए सब्जी का कुकर, इसके अंदर डाल दिया कढ़ाई के अंदर, और अभी मसाला डालते हैं, फिर एक साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, और एक बार ये अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, फिर कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल दूंगी। और कढ़ाई भर गई है, और मम्मी देखेगी तो बोलेंगी कि बड़ी वाली क्यों नहीं रखी, ये वाली क्यों रखी कढ़ाई। तो इसे कर देते हैं अच्छे से मिक्स, मैंने सोचा इसमें आ जाएगा, और अभी ये भर गई है, तो पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, नहीं गिर जाएगी भरी हुई ये कढ़ाई। तो यहाँ पे बन गई है सब्जी, और मेरे को कढ़ाई चेंज करनी पड़ी, वही वो ज़्यादा छोटी हो गई थी, और मसाला अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था उसमें, और मम्मी आ जाती फिर मुझे डांट भी देती कि बर्तन नहीं है क्या। तो फिर मैंने ना दूसरी बड़ी कढ़ाई ले ली, और बर्तन भी एक्स्ट्रा के सन गए बिना मतलब में। और यहाँ पे सब्जी बस बन के तैयार होगी, 5 मिनट और रख देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देते हैं ऊपर से, और हमारी सब्जी हो गई है बन के तैयार। और अभी मैं करूँगी बर्तन साफ, और फिर पाव जब सेकेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो अभी देखो ये बर्तनों का भरा टपारी ये साफ करूँगी, धनिया वगैरह मैंने धो के रख रखा, तो इसमें से 2-4 पत्ती लेके काट दूंगी, ज़्यादा तो नहीं काटूंगी, मेरे बेटे को कम पसंद है, तो काट देते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये
यहाँ पे पाव सेक दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को देने। तो मम्मी को सबसे पहले भूख लग जाती है तो मम्मी को दे के आते हैं, मम्मी ही टेस्ट करेगी, मम्मी खा के बताएगी कि कैसी बनी है। और मम्मी देखो अपना शोर उड़ के लेती है, हरियाणवी मूवी देख रहे लो मैं। अरे खा के बताओ फिर कैसी बनी है। मम्मी सीरियस हो जाती है फोन देखते ही। अरे मम्मी खा के और फिर बताएंगी कि कैसी बनी है। तब तक मैं और बना लेती हूँ। मम्मी ने ही कहा था और आज पाव भाजी बनने की। वैसे संजीव को ज्यादा पसंद है, मुझे भी है, पर आज मम्मी ने बोला था कि सारी सब्जियां रखी हैं पाव भाजी बना ले, मैं सामान लेके आ रही हूँ। मम्मी लेके आई थी पाव वगैरह खरीद के, मसाला जो सामान भी मां खुद ही ले आई आज। आज खुद ही ले आई, नहीं तो बेटे को बैठती दुकान पर तो खुद ही तो चली गई थी। अरे मेरे टाइम से बना लेना, मुझे जल्दी भूख लग जाती, कभी देर से बनाए फिर मैं खाना खा लूँ। माँ मम्मी पूछ रहे कैसी बनी है। बहुत बढ़िया, अच्छी बनी। माँ ने तारीफ कर दी तो बस फिर तो बढ़िया ही होगी, क्योंकि तेरी माँ तारीफ बहुत कम करती है। जब बहुत चीज कोई ज्यादा ही पसंद आ जाती है जब करती है माँ तारीफ। तेरी लगा दू प्लेट।